बाबा को हाथी पहनने के बाद दूसरे से हाथी पहनने तो पहनी तो बड़ा दंड मिलेगा, इसका अर्थ किया। हाथी पहनना माना गले से मिलना, गले से मिलना माना गले पड़ गया, जैसे माला गले में पड़ जाती है। वो साधु संत तो माला गले में डालते हैं, समझते हैं कि हम श्री श्री 108 हैं, दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 108 आत्माओं के संगठन की माला हमने बनाई है और ये हमारी गले के हार हैं। लेकिन वास्तव में वो तो माला नहीं बनाते, माला बनाने वाला दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगठन बनाने वाला, नई दुनिया का संगठन बनाने वाला तो भगवान है। और भगवान के ऐसे गले के जो हार बनते हैं वो ही बनते हैं जो बच्चे सिवाय एक बाप दूसरा नहीं। अगर एक बाप के गले के हार बने और फिर दूसरे के गले के हार भी बने, रावण के 10-30 होते हैं और दसियों के गले के हार बनते रहे, तो वो भगवान की माला में आ देंगे क्या? कि और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बन जाएंगे क्या? होंगे वो तो कन्वर्ट होने वाले हो गए। तो जो बाप के गले के हार बनेंगे वो और कोई गले के हार नहीं बन सकते, इसलिए बोला। तुम बच्चे बाप से भी अच्छा पुरुषार्थ करते हो, तुम बच्चे बाप से भी अच्छा पुरुषार्थ करते हो, कैसे? बाप तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं है, बनता है? तुम बच्चों को विश्व की बात का ही देता है, तो जो बच्चे विश्व की बात का ही लेते हैं वो ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले हुए या बाप ऊंचा पुरुषार्थ करने वाला हुए? बच्चे बाप से ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले हुए। बोलो, मिसाल के तौर पर जैसे संगम युग में विश्व की बादशाही नंबरदार बच्चों को मिलती है, देने वाला जो विश्वनाथ कहा जाता है वो तो ताजदारी नहीं बनता है। वो फकीर के रूप में दिखाया जाता है या विश्व के मालिक का ताजदारी के रूप में दिखाया जाता है? वो तो फकीर के रूप में दिखाया जाता है। और सारा जीवन बच्चों के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाया जाता है। सतयुग में जो बच्चे बनेंगे और बाप से सतयुग की बात का ही लेंगे वो 150 वर्ष राज्य करेंगे। तो चैन की बंसी कौन बजाते हैं? और भागदौड़ के जीवन का पुरुषार्थ कौन करते हैं? ज्यादा सुख कौन पाते हैं? कृष्ण की आत्मा बच्चा है, राम की आत्मा बाप का पार्ट बजाती है,
जन्म जन्मांतर सुखी ज्यादा कौन रहता है? कृष्ण की आत्मा ज्यादा सुखी रहती है या राम वाली आत्मा ज्यादा सुखी रहती है? जवाब मिल गया। सुखी वही ज्यादा रह सकते हैं जो सुखी रहने का उत्साह करते हैं। और सोने की लंका, सोने का मृग दिखाई पड़ता है और वो सिर्फ जो आर्टिफिशियल सीताएं होती हैं उनको ही दिखाई पड़ता है क्या? रावण की लंका सोने की दिखाई पड़ती है, लेकिन जब रावण की लंका में बांधेली बन जाती है तब उनको पता चलता है ये सोने की लंका नहीं है, ये तो ईंट पत्थर की लंका है। वास्तव में सोने की दुनिया सतयुग है, कहीं भी दुनिया सोने की दुनिया नहीं है। आज की महल मालियां अटारियां देख करके, रंगे रंगे हुए अच्छे अच्छे महल देख करके लोग समझते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वाइब्रेशन देखें तो बहुत दुखी बनाने वाले हैं। तो दिखावट के आधार पर कहा जाता है, पॉम्प एंड शो के आधार पर कहा जाता है सोने की लंका। अल्पकाल का भव का है, जैसे कोई जेवर होता है, सोने के गहने होते हैं ना, तो उन पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, तो लोग क्या समझते हैं सोने का है या लोहे का है? लोग समझते हैं सोने का है। तो ऐसे ही ये रावण की लंका भी बंगार की लंका दिखाई पड़ती है। बाबा आप अपने लोग पानी होने वाले तो गुरु निंदक होते हैं क्या? लून पानी का मतलब है पानी खारा हो गया, नमक मिक्स हो गया। नमक मिक्स होना और चीनी मिक्स होना अलग अलग बातें। पानी में एक चम्मच नमक घोल दिया जाए और उसी एक ग्लास दूसरे का ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी घोल दी जाए, तो पीने के बाद मुंह का जायका एक को जो नमक का ग्लास पिएगा उसको जायका आएगा, और जो मीठा गिलास पिएगा उसको जायका अच्छा मुंह आ जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो इसको कहते हैं लून पानी। माना तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, वाइब्रेशन बिगड़ जाता है, इसलिए बोला कि लून पानी होकर के रहना अच्छा नहीं है। जहाँ तक हो सके वातावरण को अच्छा बनाना चाहिए, वातावरण को खारी नहीं बनाना चाहिए, कड़वा नहीं बनाना चाहिए, एक दूसरे से कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए। कड़वी बातें करेंगे तो जन्म जन्मांतर हमको कड़वे लोगों की दुनिया के बीच जन्म लेना पड़ेगा, और मीठी बातें करते रहेंगे तो मीठे मीठे देवताओं के बीच जन्म लेगा। अगर रावण वास्तव में भगवान तो एक है,
लेकिन भगवान की जो भगवती दिखाई जाती है वो दो नहीं तीन तरह की भी दिखाई जाती है। इसलिए भगवान को कहते हैं मायापति भगवान। फिर कहते हैं सीतापति भगवान। फिर कहते हैं लक्ष्मीपति भगवान। अब वास्तव में जो मायापति कहा जाता है वो माया तो बेटी है या पति पत्नी का संबंध है? बेटी का संबंध है। अगर बेटी की नियत खराब हो जाए बाप के ऊपर तो क्या कहेंगे? पत्नी बन जाएगी, पत्नी तो नहीं कही जाएगी। इसलिए वो संबंध तो एक तरफ रख दिया, बाकी रह गए दो। तो पत्नियों में भी सीताओं में भी दो प्रकार की सीताएं हैं, एक है ओरिजिनल और एक है आर्टिफिशियल। ओरिजिनल जो सीता है उसका हर जीवन में शीतल स्वभाव है, शीतल संस्कार है, और जो आर्टिफिशियल सीता है उसका सदैव शीतल स्वभाव नहीं रह सकता। इसलिए दो रूप दिखाई है सीता की। जो ओरिजिनल सीता है उसको कहा तुम पावक में करो निवास, तुम योग अग्नि में रहो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ, ये निशाचरों का संहार करता हूँ। तो जो संहार करने की निमित्त सीता बनती है उसे कहते हैं असुर संहारिणी। वो काला रूप धारण कर लेती है क्योंकि लोहे से ही लोहा काटा जाता है, जिससे विष मारा जाता है, नहीं कि आज की दुनिया खत्म नहीं हो सकती। तो ऐसी शक्तियां भी चाहिए जो आखिरी संस्कारों का विनाश करने वाली हो। भगवान मुरली भी बोला है कि गार्डलेस स्टूडेंट वाले भी मुरली मिस नहीं करेंगे। तो इसी सेवा अनुसार व्यर्थ करते करते मुरली सुन रहे हैं, क्लास में बैठ कर सुन नहीं पा रही है, तो पा रहे हैं तो क्या वो गार्डली अथवा रेगुलर स्टूडेंट कहाँ जाएगा? पूछना क्या चाहते हैं? आपने समझ लिया? समझ नहीं समझा उन्होंने भी। ये माता जी को किसी ने लिख करके दिया है, किसी ने पूछा है वो तो जानता है कि क्या पूछना चाहता है। तो माता जी को पता ही नहीं है ये क्या है, बताओ क्या है माता जी? तो ऐसे नहीं होते मुरली से भूल जाए। मुरली तो नहीं अच्छे से अच्छे भी नहीं है। जो मुरली नहीं कहते हैं वो अच्छे से अच्छे नहीं है। अच्छे अच्छे हो सकते हैं लेकिन अच्छे से अच्छे नहीं हो सकते। और अष्टदेव तो अच्छे से अच्छे हैं। आधार पर अच्छे का है।
समय कैसे कटता है? समय काटा जाता है दुख में या सुख में? समय कब काटा जाता है? दुख में समय काटा जाता है, सुख में तो समय काटा ही नहीं जाता। तो ये बात गलत हो जाती है कि सत्य को त्रेता में समय कैसे कटता है। अरे वहां तो खेलना ही खेलना है, आनंद ही आनंद है। चित्रकारी करते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, भ्रमण करते हैं, गगन विहार करते हैं, जैसे यहाँ हवाई जहाजों में घूमते हैं वो लोग। तो टाइम पास कैसे होता है पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला जाता है। दुनिया की धरती चक्र पूरा होने के बाद अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगे। साइंस में और बाबा भी कहते हैं कि जो चांद है, अभी एक बात हो रही सुन लीजिए, जो चांद है हाँ जी, वो चांद तो पृथ्वी से ही निकला है। बना ये पूरा विनाश होने के बाद या चांद पृथ्वी मिल जाएगी? उपग्रह कहा जाता है। हाँ जी, ग्रह का उपग्रह माने पृथ्वी जो ग्रह है उससे निकला हुआ है टुकड़ा, इसलिए पृथ्वी के ही चक्कर काटता है। प्रशांत महासागर है तो गड्ढे में चंद्रमा ऐड हो जाएगा। सारी दुनिया में पानी ही पानी हो जाएगा, घोड़ा का हिस्सा बचेगा जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। बाबा कहावत है, पेट का भूत और काम के आज सब पाप कर्म करा दे करा है देता है, ये बात बेहद में कैसे लागू होगा? पेट की भूख है वो तो हद की बात है, और काम की आग है स्थूल पेट में लगती है या बेहद के बुद्धरूपी पेट में लगती है? बुद्धरूपी पेट में काम की आग लगती है, तो पाप कर्म करा देती है। समुद्र एक ही है ना, सबसे समुद्र करते हैं क्योंकि सात महाद्वीप हैं और सात महाद्वीपों के बीच बीच में पानी भरा हुआ है, तो सात समंदर अलग अलग कहे जाते हैं। पृथ्वी तो एक ही है लेकिन पृथ्वी की जो टापू है वो अलग अलग है, क्योंकि बीच में चारों तरफ एक एक टापू से पानी भरा हुआ है। जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका के चारों ओर पानी भरा हुआ है, एशिया महाद्वीप है उसके चारों ओर पानी भरा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका है उसके चारों ओर पानी भरा हुआ है। अब है तो दक्षिणी अमेरिका चाहे अफ्रीका चाहे ऑस्ट्रेलिया, है तो ये सब पृथ्वी ही, लेकिन पानी से उनके हिस्से अलग अलग कर दिए गए, इसलिए जैसे सात महाद्वीप अलग अलग हो जाते हैं ऐसे ही सागर भी सात अलग अलग नाम दे दिए गए। अगर कोई बच्चों को दो महीने तक चिट्ठी नहीं आती है, कोई बच्चों की दो महीने तक चिट्ठी नहीं आती है, बाप समझते हैं और बच्चे मरते हैं, ये बात मरने वाले के लिए लागू होती है क्या?
अच्छी की बात तो उस समय की कही जबकि मोबाइल फोन नहीं थे, ईमेल नहीं भेजा जाता था, वायरलेस नहीं होता था, इसलिए उस समय साधन था लेटर पत्र। वो बात अभी भी लागू होती है, ईमेल भेजना, मोबाइल भेजना और मोबाइल से बात करना, ये तो पैसे वालों का काम है। जो गांव में रहते हैं भील, उनके पास कहाँ मोबाइल होता है, कहाँ कंप्यूटर होता है जो ईमेल भेजेंगे, लेकिन लेटर तो हर जगह पहुंच जाता है। तो कहा बच्चे कहीं भी हैं दुनिया में, अगर बाप से कनेक्शन नहीं है, चाहे वो पत्रों के द्वारा हो, चाहे ईमेल के द्वारा हो, चाहे मोबाइल के द्वारा हो, तो 2 महीने भी अगर कनेक्शन नहीं होता है तो बाप समझेंगे कि बच्चा मर गया। तो कनेक्शन तो रखना चाहिए, बच्चा बाप से भरसा लेने वाला हो, बालिग बच्चा हो गया हो तो उसे चिंता नहीं है कि हमें बाप से भरसा लेना है, बाप से कनेक्शन तोड़ के रखेगा क्या, नहीं, उसका तो कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। जितना जितना बालिग होता जाएगा उतना उतना उसका संबंध बाप के साथ प्रगाढ़ होता जाएगा। बाप को भी महसूस होना चाहिए कि बाप बच्चे के बगैर नहीं रह सकता और बच्चा बाप के बगैर नहीं रह सकता। और 2-2 महीने तक लेटर भी नहीं, फोन से बात भी नहीं, ईमेल भी नहीं, कोई समाचार ही नहीं, तो बाप क्या समझेंगे ये बच्चा बाप की दुकान चला रहा है या नहीं चला रहा है, है? नहीं चला रहा है, मर गया। संगम युग में शूटिंग भी होती है और हिसाब किताब भी होते हैं, संगम युग में शूटिंग भी होती है। हाँ, अच्छे कामों की बुरे कामों की शूटिंग होती है, और जो शूटिंग होती है वो मन के संकल्पों से होती है, या जो मन में संकल्प चल रहे हैं रात में सोते समय स्वप्न आते हैं वो सब संकल्पों की शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। और हम जो कर्म करते हैं उससे हमारा पाप पुण्य बनता है या तो बिगड़ता है, पाप बन जाता है या तो पुण्य बन जाता है। ईश्वरीय मत पर कर्म करते हैं तो हमारा पुण्य बनता है, ईश्वरीय मत पर हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा पुण्य बन जाता है। उसे शूटिंग नहीं कहेंगे क्योंकि कर्मेंद्रियों से या वाचा से हमने अच्छा काम किया, दूसरों को सुख दिया, तो सुख देने का रिजल्ट हमारा पुण्य बन गया। पाप भस्म करने की जहां तक बात है तो बुरा संकल्प आया जिससे शूटिंग तो होती है परंतु उसको याद के बल से हमने वही काट दिया बुरे संकल्प को, तो शूटिंग खराब होते होते हमारी बच गई। खराब शूटिंग लंबे समय तक नहीं चल पाई, हमारा पाप कर्म भस्म हो गया, शूटिंग अच्छी हो गई, ये हिसाब है। बाबा 7 दिन होते हैं, 7 दिन सोमवार मंगलवार। हाँ जी, कोई आत्मा का याद कर रहे क्या? जरूर आत्मा है। सोमवार कहते हैं, सोम चंद्रमा को कहा जाता है, तो चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा नहीं है क्या, है कि नहीं?
सूर्य वार कहते हैं, तो कोई ज्ञान सूर्य नहीं है क्या? है ऐसे ही है, चाहे वो शनिवार हो, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो बुधवार हो, कोई ना कोई पार्ट बनाने वाली आत्मा के नाम पर वो बार नाम रख दिया। अभी उसकी बार ही है क्या? आज कौन सा बार है? आज रविवार, आदिवार है। तो कोई आदि ईश्वर रहा होगा, कोई आदि देव रहा होगा, उस आदि देव के नाम पर आदिवार नाम कर दिया, वो ज्ञान सूर्य है। तो उसकी बारी है आज, इसलिए आदिवार। फिर सूर्य के बाद किसकी बारी है? चंद्र की बारी है, उसे सोम कहा जाता है। सोमरस, सोमरस पिलाने वाला सोमदेव, शास्त्रों में लिखा है चंद्रमा पर अमृत बरसता है, है? अब 69 में वैज्ञानिकों ने खोज की, चंद्रमा पर गए, वहां कोई अमृत बमृत नहीं मिला, पानी भी पीने को नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन भी नहीं है, हवा भी नहीं है। कैसे जाते हैं? कैसे जाते उधर? भर करके जाते हैं ना, स्टाक करके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। तो वो हद की बात, वो हद का कौन चंद्रमा है, लेकिन ज्ञान का रस देने वाला, असली कौन रस देने वाला, अमृत रस बरसाने वाला, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा के मुख से सिमले वाणी उच्चारण, अब उस वाणी को कोई अपना बनाए या न बनाए, वाणी तो उसने सुनाई ब्रह्मा के मुख से, वेदवाणी आई, उस वेदवाणी को कोई मनन चिंतन मंथन करे या न करे। भोजन तो भगवान दे रहा है, सबको देता है, मनुष्यों को भी देता है, कीड़े मकोड़ों को भी देता है, जानवरों को भी देता है, पेड़ पौधों को भी भोजन मिलता है। कोई मिले हुए भोजन को ज्यादा चबाता है और कोई नहीं चबाता है, तो चबाने से खून बनेगा या बिना चबाए खून बन जाएगा? क्या बने? खून बने। ऐसे ही सोमरस है, चंद्रमा के द्वारा वो सोमरस मिलता है, वो वेदवाणी मिलती है। अब जो मनन चिंतन मंथन करेगा वेदवाणी का, ब्रह्मा के महावाक्यों का, जिनके लिए कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है, लेकिन कैसे पत्थर की लकीर है उस बात पर गहराई से विचार करना पड़ेगा। ज्ञान सूर्य, उसके बाद ज्ञान चंद्र। पृथ्वी के पास, पृथ्वी के प्राणियों के पास ये दो बड़ी उपलब्धियां हैं। पृथ्वी तो है ही माता के रूप में, लेकिन चंद्रमा भी चाहिए और सूर्य भी चाहिए। फिर है मंगल, मंगल भी पृथ्वी की औलाद। मंगल माने होता है कल्याणकारी। तो ये जितने भी बार है इनकी कल्याण करने की अपनी अपनी बारी है।
या जैसे सचिव में सात नारायण है तो एक साथ आ जाते हैं कि अपनी अपनी बारी से आते हैं, अपनी अपनी बारी से। पहला नारायण सचिव की याद में, फिर दूसरा नारायण वो दूसरे नंबर की बारी, फिर तीसरे नंबर का नारायण। तो ऐसे ही आठ नारायण एक के बाद एक अपनी अपनी बारी से आते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे बार लगाया जाता है। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार और बाबा गुल्ला के ग्रहाल प्रतिष्ठित जैसे प्रतिष्ठा करते हैं प्रतिमा को, प्रतिष्ठा करते हैं ना आलय में, नीचे सोना या हीरा कुछ भी ऐसा वैल्यूबल चीजें डालते हैं हाँ, और उसके ऊपर प्रतिमा रखते हैं। हाँ जी, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई आत्माएं होती है देव आत्माओं में जो सोने की युग में आने वाली है। सोने का युग है सतयुग, तो उनके नीचे सोना डाला जाए। कोई आत्माएं आती है चांदी के युग में, तो उनके नीचे चांदी डाली जाए। तो जो जैसे टाइम पर आता है वैसा वैसा मेटल उसके नीचे डाल देते। आजकल के नेताएं हैं, नेताओं की ऊंची रखते हैं तो सोना चांदी नहीं डालते हैं, पत्थर डाल देंगे, लोहा डाल देंगे, तांबा डाल देंगे बस। और क्या देवताओं को चेहरा दिखाते हैं ना? हाँ, स्त्री का चेहरा ज्यादा दिखाते हैं। स्त्री का चेहरा दिखाते हैं तो दाढ़ी मुझे नहीं होती। दाढ़ी है भिखारियों की होती है। वहाँ तो चाहे देवी हो चाहे देवता हो दोनों ही निर्विकारी है। दाढ़ी क्यों आएगी? दाढ़ी होगी मुझ होगी, दाढ़ी मुझे हो जाएगी फिर तो देवता रहे ही। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं तो जिस ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं वो देवता हुआ या मनुष्य हुआ? है तो भिखारी मनुष्य हो गया। भिखारी मनुष्य की मंदिर बना के पूजा होनी चाहिए? नहीं होती। तो ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती। तो ब्रह्मा बाबा से कहो तुम लड़की बन जाओ तुम्हारी पूजा करेंगे। तो जगदम्बा बन जाती है वो आत्मा अपना शरीर छोड़ के, वो दारू मूछ का चोला छोड़ के जब कोई कन्या माता में प्रवेश करता है तब उसकी पूजा होती। बढ़िया प्रश्न है आपको। क्या पूजा करानी हो तो बोलो क्या करना पड़े है? अगर भाइयों को पूजा करानी हो तो क्या करना पड़े इनको है? शरीर छोड़ के प्रवेश तो ब्रह्मा ने किया। हाँ, वो ब्रह्मा ने जो शरीर छोड़ करके प्रवेश किया वो संपूर्ण स्टेज नहीं है। संपूर्ण स्टेज ये है कि शरीर रहे, लेकिन शरीर रहते हुए ही इस शरीर से ही कंचन काया बन गया, दाढ़ी मूछ साफ हो जाए, देवता बन जाए, नर से नारायण बन जाए, नारी से लक्ष्मी बन जाए। बाबा प्रकृति अंदरनी स्त्री अंटार कदा मन पंचतत्वालनु రకరకాలుగా అంటే స్త్రీలు పురుషులుగా రెండు విధాలుగా గంగాదేవిని చెప్పేసి భూదేవిని చెప్పేసి మళ్ళీ వరుణ దేవుడు గాలి దేవుడు అగ్ని దేవుడు అని వాళ్ళ ముగ్గురి పురుషుల పేరు మీద పూజిస్తున్నారు. ఎందుకని ఎవరు వాళ్ళు पूरा हो गया? हाँ बोलो। प्रकृति को, हाँ
प्रकृति को तो स्त्री का रूप दिखाते हैं, लेकिन जो पंचतत्व है उसमें तो अलग अलग देवताएं हैं, पुरुष भी है, पुरुष भी है, पवन देव है, ऐसा क्यों हो गया? पत्नी तो प्रकृति तो माता का रूप है ना, और माता के पेट से पुरुष भी जन्म लेता है और माता के पेट से जन्म लेती, तो दोनों तरह के तत्व चाहिए। बाबा एक वार्ताल अपने कहा है कि महाराणा प्रताप जब भाग गए थे तब जंगलों में भागे भागे शायद तो उनको शौकर ने मदद की है, तो बाबा मदद कौन सी है और शौकर कौन है और वो शौकर कौन है? महाराणा प्रताप तो कलयुग की बात हुई, जब वहाँ तो शिव बाबा होता नहीं, जब महाराणा प्रताप जंगल में फिरते थे उस समय एक सावकार ने आकर उसको मदद दी है। वो मदद क्या है? राज्य में जिस साहूकार ने बहुत कमाई की, बहुत धनवान बन गया, तो महाराणा प्रताप के राज्य में उसको संरक्षण मिला होगा ना अपनी कमाई करने के लिए। उस साहूकार ने वक्त आने पर महाराणा प्रताप को सहयोग दे दिया। नाम सुन रहे ये पार्ट प्रोटेक्ट होना, ये बाबा का काम नहीं, ये बाप दादा कागज पर या बोर्ड पर लिख करके बतावेंगे नहीं कि महाराणा प्रताप कौन बनेगा, उसको सहयोग देने वाला साहूकार कौन बनेगा। ये तो अपने अपने कर्म से, अपनी अपनी भाषा से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से अपने आप अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे, यहाँ ही प्रत्यक्ष कर देंगे। भगवान नारद जी चाताईगन त्रेतायुगन द्वापरयुगन मूड़ विधाल चूपिंचारु, कानी कलियुगंलो नारद लेकपोयाडु। सत्युग में, त्रेतायुग में, द्वापरयुग में भी दिखाए हैं, लेकिन शास्त्र में कलियुग में नहीं दिखाए। नारद को कलियुग में नहीं दिखाया, क्योंकि कलियुग में उनके घूमने फिरने के लिए देवताएं तो कोई रहते नहीं, असुर होते हैं सिर्फ, कलयुग में सिर्फ असुर दिखाए गए हैं। लेकिन जो नारद की बात है, न सत्युग की बात है, न त्रेता की, न द्वापर की, न कलयुग की, वास्तव में कहां की बात है? चार युगों की शूटिंग हो रही है, तो चार युगों की जहाँ शूटिंग हो रही है उस पीरियड में नारद अर्थात नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान का जल देता है, सच्चाई प्रसारित करता रहता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो बताता रहता है, उसको नारद कहा जाता है। बाबा जो कन्या है आदित्य पत्र लिखकर घर जाकर शादी कर ले रही है, वह कन्या है 16,000 की लिस्ट में आएंगी क्या? आएगी, लेकिन दाता भी बने अगर सरेंडर होने के बाद वापस चले गए, और वापस जाने के बाद साधारण व्यक्तियों की, साधारण परिवारों की जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनकी खातिर खुशामदी करने लगे, तो 16,000 की लिस्ट में तो आवेंगे, लेकिन जो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी उनके दास दास ही बनना पड़ेगा। तो यहाँ उन्होंने चीटिंग ऐसी कर दी। साधु और सन्यासी जो भी होते हैं उसको पाँव के पाँव को ही वो नमन करते हैं, सब बस लोग ऐसा पाँव को ही क्यों पकड़ते हैं? श्रेष्ठ इंद्रिय भी है ना, और सौर इंद्रिय भी है ना, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उन्होंने
पांव से चला जाता है, पहुंचा जाता है। तो ये बुद्ध रूपी पांव भी जो है वो पहुंचने वाली चीज है। कहते हैं हमारे गुरु जी के पहुंच जहां तक है वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे। तो पहुंचने का काम पांव से होता है, बुद्धि से भी पहुंचने का पांव होता है, काम होता है। इसलिए उनके पांव जो है वो पूजन करते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं क्या हम बुद्धि से ही दुनिया का कल्याण करते हैं क्या, इसलिए उनके पांव पूजे जाते हैं। वास्तव में वो पांव उनके पवित्र नहीं होते हैं, पांव में भी धूल लग जाती है। ये तो ईश्वर की बुद्ध रूपी पांव है जिसमें देह अभिमान की धूल कभी भी नहीं लगती है, और वो पूजने की बात नहीं। देवों के पांव पानी डाल करके उसको धोते हैं और उसकी जो गंध निकलती है उसको पी जाते हैं, और वो गुरु लोग बड़े प्यार से अपने पांव धुलवाते भी हैं और दूसरों को पीते हुए देख करके बहुत खुश होते हैं, हम भगवान हैं क्या। वास्तव में उन्होंने भगवान की नकल की है। भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो जिस तन में आते हैं वो तन जो है वो एक प्रकार का पांव है, बुद्ध रूपी पांव। वो तन पवित्र किया जाता है ज्ञान जल से, ज्ञान जल से जब पवित्र हो जाता है तब वो मूर्ति तैयार हो जाती है, उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने अपने पांव को जाना शुरू कर दिया, वो कहते हैं शिवो हम शिव है। वास्तव में कोई गुरु मात्र शिव नहीं है, शिव तो एक ही है, जिस मुकर रस में आता है उसमें ही आकर के वो बुद्धिमानों की बुद्धि प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है, उसके देह अभिमान की धूल को साफ किया जाता है। कैसे? ज्ञान देव तब उसकी मूर्ति की पूजा होती चित्र में सोमनाथ के मंदिर को वो सीढ़ी के बाहर दिखाए हैं, क्यों दिखाए हैं? सीढ़ी के बाहर मंदिर दिखाए हैं, मंदिर यादगार है। वो पहली पीढ़ी जो दिखाई गई है वो पूरी नहीं है, शुरुआत है, द्वापर युग के पहले जन्म की। उसमें साक्ष्य की स्टेज बहुत थोड़ी है, तो छोटी पीढ़ी दिखाई गई। उस छोटी पीढ़ी में बहुत विशाल मंदिर बनाया गया, तो छोटी पीढ़ी में कैसे दिखाया जाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगा, तो देखने में आता है बाहर चला गया। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि द्वापर युग से पहले वो मंदिर बन गया, नहीं, द्वापर युग की शुरुआत में ही वो मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाएंगे तो उसकी सूर्य तो ऊपर ही दिखाएंगे ना, जो देखने में आ रही है। और पूरी बात हो सब द्रौपदी है, सब सीधा है, सब लक्ष्मी क्यों नहीं कर, क्योंकि नारी से लक्ष्मी बनने वाली एक ही है, ये सब नारी से लक्ष्मी बन जाती है। तुम सब राधाएं हो ये भी नहीं बोला, क्योंकि जो राधा बनती है वो ही बड़े होके लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी को प्राप्त करती है। इसलिए लक्ष्मी भी एक ही है और राधा भी एक ही है, बाकी तुम सब सीताएं हो,
तो सीताएं नंबर वार है जिनकी कर्मेंद्रियां शीतल है, क्या? हाँ, जिनकी कर्मेंद्रियां शीतल नहीं है, बहुत गर्मी भरी हुई है, तो सुपनखा पूतनाएं बन पड़ती है, तो उनको सीताएं नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सुपनखा पूतना, लड़ाई कराने वाली, अपवित्र बनाने वाली, नरक बनाने वाली। इसलिए बोला कि तुम भारत माताएं हो, सड़क का गेट खोलने के लिए बैठती हो, और वो सुपनखाएं पूतनाएं नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है। अलग अलग हो गए, जैसे अभी तुमका सीताएं दो क्यों कर दी, एक अव्वल नंबर और दूसरी गर्व नंबर। कोई भी आत्मा का पार्ट हर जन्म में हो, क्या हो सकता है? कोई ऐसी आत्मा होगी जो हर जन्म में विश्व का बादशाह बनता रहे, विश्व का मालिक बनने, हो सकती है कोई? नहीं, कभी ऊंचे और कभी नीचे। तो ऐसे ही जो जगदम्बा कही जाती है वो संगम युग में सारे जगत की अम्बा बन गई, सारे जगत से मान मर्तबा लेने वाली बन गई, लक्ष्मी से भी मान मर्तबा लेती। क्या? इतना ऊंचा पद है। तो जिसको संगम युग में ऊंचा पद मिल गया तो सत्यु के जन्म में ऊंचा पद मिलेगा या नीचा होता जाएगा? क्या होगा? नीचा होता जाएगा। जैसे सत्यु के आदि में कृष्ण की आत्मा पहला नारायण बन करके ऊंची गति लेती है, तो दूसरे जन्म में नीचे गिरेगी या उतना ही ऊंची रहेगी? नीचे गिरेगी। आठवें जन्म में जाकर के इतनी नीचे गिर जाती है कि राम का बाप बन करके साहूकार बन जाती है। इतना बड़ा साहूकार बनती है कि राम वाली आत्मा उस साहूकारी को संभाल करके सारी साहूकारी की धन संपत्ति आठवें नारायण को लौंड में दे देता है। तो कहां आठवां नारायण गद्दी का मालिक, और कहां उसकी राज्य में पलने वाली प्रजा का साहूकार, रामवाली आत्मा या रामवाली आत्मा का बाप? तो अंतर पड़ गया ना, हर जन्म में कोई ऊंचा पद नहीं पा सकता। जगदम्बा का भी ऐसे ही। एक लोग कहते भी हैं राज करेगा सांसद, सरेंडर किया आत्मा है जो है वो प्रजा में सौकर बनने में क्या सर अंदर। जब से सरेंडर हुए तब से लेकर के जब तक दुनिया का विनाश हो तब तक सर अंदर बना रहे, सर ऊंचा न उठे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, तो सर अंदर है या ऊपर है? ऊपर हो गया, तो सर अंदर ही बना रहे माने सदैव श्रीमत पर ही चलते रहे, कोई और कीमत पर न चले, तो राजा ही राजा बने। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं। जब आत्मा शरीर में बदले तब जन्म तो पूरा जन्म करते हैं वो जाएगी ना, फिर जब प्रवेश करते हैं तो किसान कैसे प्रवेश करेगा?
ऊपर आत्मा अति सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि शरीर के अंदर लाखों छिद्र है, क्या लाखों की तादाद में छेद है, उस छेद से भी छोटी आत्मा है। इस मस्तक में भी कितने छेद हैं, उनसे भी छोटी आत्मा है। हाँ, ये कहेंगे जो ऊंची स्टेज की आत्मा होगी वो ऊंचे स्थान से निकलेगी, और जो आत्मा अर्थात मन बुद्धि रूपी आत्मा शरीर छोड़ते समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट अंगों में लगी हुई होगी तो कहां से शरीर छोड़ेगी, भ्रष्ट अंगों से ही शरीर छोड़ेगी, तो अंत मते तो गति होता है, और अंत मते वही होता है जो सारे जीवन का पुरुषार्थ होता है, वो सारे जीवन का पुरुषार्थ फिर अंत में सौल आ जाता है। अगर अच्छे से अच्छे कर्म रहे हैं यहां से निकलेंगे, नीचे कर्म रहे हैं वहां से निकले, गर्भ में प्रवेश करते हैं बाबा, जैसे अंधे लूले लगने होते हैं सर, उनके और इंद्रिया ज्यादा ठीक है हो जाती है, इसकी कहाँ पर शूटिंग कैसे होती है, उसके यहाँ पर शूटिंग कैसे होती है, यहाँ रुद्रमाला के मन के अंधे लूले लग रहे नहीं है, है कि नहीं, हाँ तो उनकी शूटिंग नहीं हो रही है, है? कोई काने हैं तो जो काने होंगे उनकी शूटिंग कैसे होगी, मान लो दाई आंख फूटी हुई है तो जिनकी दाई आंख फूटी हुई है उन्हें गुड़ दिखाई पड़ेंगे, गुड़ दिखाई पड़ेंगे कि अवगुण दिखाई पड़ेंगे, वो बाई आंख से अवगुण देखेंगे, दाई आंख से गुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो अच्छी शूटिंग होगी या बुरी शूटिंग होगी, बुरी शूटिंग हो जाएगी। कोई अंधे है, दोनों आंखें नहीं, ना अच्छाई देख सकते हैं ना बुराई देख सकते हैं, उन्हें परिस्थिति है ही नहीं, तो प्राप्ति भी वैसी होगी। हाँ, दूसरी इंद्रियां उनकी तीखी हो जाएंगी, कुछ कुछ अंधे ऐसे होते हैं आंख से चेहरा नहीं देख पाते क्योंकि आंखों के अंधे हैं, लेकिन कोई का हाथ ऐसे पकड़ ले तो नाम बता देंगे ये वो आदमी है, माने उनकी स्पर्श शक्ति तीखी हो जाती है और इंद्रियों में ज्यादा ताकत आ जाती है। रुद्रमाला के मांगे हैं लग रहे हैं कि अंधे हैं, कैसे हैं, है लग रहे हैं, तो पुरुषार्थ में सीधा दौड़ नहीं सकते, लगाते लगाते दौड़ेंगे, जितना दौड़ना चाहिए उतना नहीं दौड़ पाएंगे, और विजयमाला के मन के अंधे हैं लेकिन टांगे तो सीधी है ना, तो वो तीखा दौड़ सकते हैं, तैरती की पावर ज्यादा होने के कारण, तो जो ज्यादा तीखा दौड़ सकते हैं लेकिन आंखें नहीं है, आंखों से देख नहीं सकते, इधर चले इधर चले या इधर चले या इधर चले, जो जैसा बता देता है कान पकड़ के उसी तरफ चल पड़ते, बकरी क्या करती है, बकरी का काम जिसने पकड़ा बकरी वैसे ही चल पड़े, ऐसी हालत है
चाहे रुद्रमाला के मणके हों, चाहे विजयमाला के मणके हों, उनकी अपनी अपनी इंद्रियां अपने तरीके से काम करती हैं, लेकिन दूसरी इंद्रियां तीखी होती है। विजयमाला के मणके बल आंखों के अंधे हैं, लेकिन दौड़ में पीछे जा सकते हैं, सहयोग ले लेते हैं। अभी तो बताया समय पूछना पड़ता है, काटना पड़ता है, वहाँ जहाँ दुख होता है वहाँ दुख होता ही नहीं, तो टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। रेता में भी दो ही कलाएं तो कम होती है, 16 कला में से 2 कलाएं कम हो गई तो सुख तो बहुत रहता है। 1250 साल जो 1250 साल बता दे रहा हूँ और वो क्रिश्चियन की बता दे ना 3000 पहले 5000 साल हुए उनके हिसाब से भी वो ऐसे समय कैसे हिसाब किया होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की, ग्रीस मेसोपोटामिया की जहाँ जहाँ खुदाइयाँ हुई हैं जमीन की, उन खुदाइयों में जो चीजें मिली हैं वो कोई भी चीज 5000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं मिली। इससे साबित होता है कि सारी दुनिया का चक्र 5000 साल का है। महाभारत युद्ध भी 5000 साल पहले हुआ था, लेकिन विद्वान आचार्यों ने उसे द्वापर में ठोक दिया। वास्तव में द्वापर की बात नहीं है, कलयुग के अंत में इसी टाइम पर 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। और दूसरी बात, दुख के दिन होते हैं तब दिन गिनते हैं, या सुख के दिनों में कोई दिन गिनता है? है? दिन कहाँ गिने जाते हैं? बाबा नहीं आए कितने दिन हो गए? 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तो दुख महसूस होता है तभी तो दिन गिनते हैं। जब सुख महसूस होता है तो दिन नहीं गिनते। तो 2500 वर्ष की जो दुनिया है उसमें हिस्ट्री बनाई गई दिन गिन करके, जबकि दूसरे दूसरे धर्म पिताएं मनुष्य गुरु आए तब से दुख की दुनिया शुरू हुई, तब से दिन गिनना शुरू हुए। 1000 साल हो गया, 2000 साल हो गए, 2500 साल हो गए इब्राहिम को आगे, उससे पहले का किसी को पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उससे पहले सुख की दुनिया थी, कोई दिन गिनता ही नहीं था। तो 2500 साल दुख की दुनिया के दिन गिन लिए तो सुख की दुनिया भी तो कभी रही होगी। आधा सुख और आधा दुख, आधे में दिन और आधे में रात, ऐसे ही ब्रह्मा का दिन आधा और ब्रह्मा की रात आधी। 2500 वर्ष है नरक और 2500 साल है स्वर्ग। ऐसे नहीं कि दुनिया में हमेशा नरक ही नरक रहता है, ऐसे भी नहीं हो सकता कि दुनिया में हमेशा स्वर्ग ही स्वर्ग रहे, नहीं, आधा आधा है। फिर अपने अपने कर्मों के आधार, जो जितना भगवान के बताए हुए रास्ते पर ज्यादा चलेगा उसको ज्यादा सुख महसूस होगा, दुख की दुनिया में भी सुखी रहेगा। और जो भगवान की मत पर नहीं चलेगा वो सुख की दुनिया में सुखी नहीं रहेगा, आएगा ही नहीं। इसलिए हिसाब बन गया, 2500 साल की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है, उसमें 2 युग हैं, द्वापर और कलयुग।
और जो हिस्ट्री मौजूद नहीं है वो है सचयुग त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया, वो भी 2500 साल है। उसको दो हिस्सों में बांट दो तो 1250 होगी, 1250। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक एक युग की आयु 1250 वर्ष है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन मनुष्य गुरुओं ने उसको 365 से गुणा कर दिया कि देवताओं का एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर होता है, ये गपोड़ा लगा दिया, ये सारा गड़बड़ हो गया।